हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमृता, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत सुरक्षित होंगे। तो मेकअप लुक ये है रक्षाबंधन का, यस। एंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने अपना फुल बेस्ट देने की कोशिश, रक्षाबंधन के साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें, जैसा कि कोरोना आउट मास्क कोई भी ट्रेवल ना करे बस में। और सबसे खुशी की बात है कि हम लड़कियों के लिए, हम गर्ल्स के लिए साधन कन्विंस या फ्री है, वो चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगती है कि हम लोग के लिए इतना ज़्यादा सरकार हमारी सोचती है। तो होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ जो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को, फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड यस, वीडियो एंजॉय करें और गला थोड़ा इग्नोर करिए, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता जाने कैसे, तो आप इंजॉय करिएगा। सो मिलते हैं बहुत ज़्यादा। और हाँ, आप मेरी ऐसी आउटफिट्स की रील्स वगैरह मैं यहाँ पर नहीं अपलोड करती हूँ। रील्स अगर मैं एक ज़्यादा मेरी रील्स इंस्टाग्राम मौज पे रहती तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और दोनों सेम आईडी है, नम्रता की दुनिया। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो करें एंड मुझे अपना वहाँ पे प्यार दें। तब यस, होपफुली आप मेकअप इंजॉय करेंगे। यस, तो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो इनसाइट का मेकअप फिक्सर है, यस। एंड सेकंड, मैं इस पर वेक का फेस सीरम यूज़ करूँगी जो कि मस्ट है। दो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको स्टार्टिंग में यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज। सो नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, पॉन्ड्स का जेल, और काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कम बजट में आपको मिल जाता है। ऑनलाइन लेना चाहें ऑनलाइन मिल जाएगा, शॉप लेना चाहें शॉप से मिल जाएगा, यस। तो ये तो यहाँ लोटस की क्रीम को अप्लाई करके मैं अच्छे से डैप डैप करके स्किन में ऑब्जर्व कर लूँगी। ये आपको ऑन शॉप मिल जाएगा एंड लिंक भी मिल जाएगी मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ चेक कर लें। एंड आती है फिलिंग की बारी, तो जब तक जो प्रोडक्ट मैंने लगाया अपने फेस पे वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा, तब तक मैं अपने यहाँ पे आईब्रोज़ की फिल कर लेती हूँ। और आईब्रोज़ फिल करने का सबसे बेस्ट तरीका मिड से है, मिड से स्टार्टिंग किया करिए। आईब्रोज़ काफ़ी अच्छी अभी देखिएगा फिल होकर आती है। और आईब्रो पेंसिल ये मैंने ऑन शॉप ली थी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, बट ब्रांड थोड़ा चेंज होगा। इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, पर वर्क इतना औसम है, हो सकता है कि ऑन शॉप ऑनलाइन भी मिल जाए। मैंने तो ऑन शॉप ली थी, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मे बी मैं आपको यहाँ पे नाम दे दूँगी किस ब्रांड की है। यस, तो यहाँ पे आईब्रोज़ की फिलिंग हो गई है, दोनों मैंने अच्छे से ब्राउज को अपने फिल कर लिया। एंड एक तरफ आपको कॉम मिल जाता है एंड नेक्स्ट एंड दूसरी साइड से आप अपनी आईब्रोज़ फिल कर सकते हैं। तो एक पेंसिल में आपको दो वर्क मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात आप ट्रैवल फ्री है, पर्स में अच्छे से कैरी कर सकते हैं, बजट भी आपका कम है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। एंड दोनों ब्राउज मेरी यहाँ पे अच्छे से हो गए डन सेफ, काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ था, आप खुद ही देख सकते हैं। कंसीलर यहाँ पर मैं सिर्फ ब्यूटी का यूज़ करने वाली हूँ, आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं, ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहो यूज़ करो, ना यूज़ करना नहीं करना मत करो। तो मुझे लग रहा था एक मेकअप लुक क्रिएट करें तो आप कंपलसरी होता, थोड़ा अच्छे से एक फेस का सेप आ जाता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं एंड आइज पे लगा के अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको डैप डैप करके स्किन में ऑब्जर्व कर ले रही हूँ। एंड ब्यूटी ब्लेंडर मस्ट है, आप हाथ से करेंगे उतने अच्छे से नहीं ब्लेंड होगा, ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करें। एंड यहाँ पर लूज़ पाउडर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसके नीचे लगा लूँगी, इसके बाद मैं इसको डस्ट आउट कर दूँगी, तब इसके बाद मैं अपना स्टार्ट करूँगी यहाँ पे आईज़ का मेकअप। एंड मेकअप के बाद मैं इसको डस्ट आउट करूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंसीलर का मैंने यूज़ कर लिया। सेकंड चीज़, मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर, लाइट कलर या डार्क कलर किसी भी, उससे मैं अपने कलर, एक डार्क कलर को लेके मैं अपने पूरे क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। ब्लेंड तब तक करूँगी जब तक हार्ज लाइन गायब ना हो जाए, हार्ज लाइन आपकी नहीं पता चलना चाहिए। और उसको हटाने के लिए यहाँ पे मैंने येलो कलर का शेड लिया, जैसे कि मेरा आउटफिट है तो किसी एक प्रॉपर कलर के साथ आप जाएंगे तो नहीं अच्छा आएगा। और
अच्छा भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा वो एक लाइन क्रीज पता चलती रही। इस वजह से यहाँ पे मैंने दो कलर का यूज़ करके अच्छे से आईज का मेकअप अपने कंप्लीट कर लिया है एंड अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों आईज का मेकअप बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉप अप ना होते हुए एक लिमिट में है कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं लग रहा। तो मतलब मैंने दो कलर को मिक्स करके यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा आईज़ का मेकअप पॉपअप लग रहा था उसको थोड़ा सा ठीक कर लिया है। एंड यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ग्लिटर का थोड़ा सा यूज़ करूँगी, हल्का हल्का मिड में मैंने यूज़ किया। एंड अब इसके बाद मैं इसको डस्ट आउट कर दूँगी, एक्स्ट्रा जो मैंने यहाँ पे पाउडर लगाया था उसको मैं डस्ट आउट कर रही हूँ एंड कलर की हेल्प से अपनी लेसेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी। देन मैं यहाँ पे लैक्मी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और गाइस मस्कारा भी 100 रुपीज़ का है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। यस, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लेसेस पे दो कोट मस्कारा मैंने अप्लाई किया है क्योंकि मैं यहाँ पे ना फॉल्सीज यूज़ कर रही हूँ ना मैंने आज लेंसेज यूज़ किए हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर मस्कारा आप अच्छे से कोट करके अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छे से वो उभर के आएगा। यस, यहाँ पे आज मैंने सोचा ब्लैक काजल लगा के मैं ब्लू काजल की तरफ जाती हूँ एंड काजल मेरा स्विस ब्यूटी का है, 195 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो मैं प्राइस सबका इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में प्राइस देना भूल जाती हूँ और कुछ लोग बोल रहे थे कि प्राइस आप दे दिया करिए, तो मुझे जिसका जिसका प्राइस लग रहा बहुत हाई नहीं है उस चीज़ का मैं प्राइस यहाँ पर दे दे रही हूँ। एंड काजल लगाने के बाद एक ब्रश से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि काजल मेरा फैले ना। एंड मैं आईलाइनर से इसको लाइन को ज्वाइंट कर दूंगी, जो मेरी आईलाइनर की लाइन है और काजल की लाइन दोनों को आपस में मैं अच्छे से ज्वाइंट कर दूंगी। और आप काजल कभी इस तरीके से लगा के देखें, आपका काजल फैलेगा नहीं एंड बहुत अच्छे से आंखों में काफ़ी देर टिका रहेगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यस, तो सेम कलर के आई शेडो से मैं अपने लोअर वाटर लाइन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि ऊपर का जैसे मेकअप हो गया था तो थोड़ा नीचे लगा लो तो आईज़ और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती हैं। तो बहुत हल्का हल्का से मैंने नीचे भी लगा लिया था दोनों आईज़ में, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आईज़ का मेकअप मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुका है, प्लीज़ बताना कैसा लगा। और मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है एंड मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं पहले यहाँ पर क्लियर कर दूँ। तो बस जो अच्छा लगे, अगर आपको कुछ भी मेरे मेकअप में से कोई भी ट्रिक अच्छा लगो तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड यहाँ पे लैक्मी का पिंक कलर का प्राइमर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, अच्छे से मैं लगा लूँगी जहाँ जहाँ मुझे पसीने की प्रॉब्लम रहती है और इसके बाद स्किन में मैंने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। एंड मैं लगा लूँगी लिक्विड कलर का हाईलाइटर एंड साथ में फाउंडेशन। अच्छा, एक काम आप करें, जब भी आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें तो थोड़ा थोड़ा लगा के उसको ब्लेंड कर दें, मेरी तरह इकट्ठा मत लगाएं नहीं तो वो एक जगह ड्राई होकर चिपक जाएगा, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी ब्लेंड करने में। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, कभी भी अगर आप लिक्विड यूज़ करते तो जहाँ पे लगाएं उसको ब्लेंड कर लें, फिर अगेन कहीं लगाएं फिर उसको ब्लेंड कर लें। तो आप देखिए ब्लेंड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बट मैंने ब्लेंड कर लिया कैसे भी करके और यहाँ पे ब्लेंडिंग डन हो गई। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस इवन एकदम लग रहा है। अब एक फिक्सर की हेल्प से जो मैंने स्टार्टिंग में इनसाइड का यूज़ किया उसी से अपने बेस को पूरा लॉक कर लूँगी एंड अच्छे से ड्राई कर लूँगी। अब आती नेक की बारी, नेक पे भी मैं सेम फाउंडेशन इनसाइड का यूज़ कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि आपको क्या होता है नेक और फेस डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए। फिर यहाँ पर लिप बाम स्विस ब्यूटी का मैंने यूज़ किया, उसको अच्छे से नेक पिन पर ड्राई आउट कर दिया है एंड फिर लिप लाइनर से अच्छे से एक लिप्स पे यस शेप दे दूंगी, फिर लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। और आप इस तरीके से लगाएं, बिगनर्स जो हैं वो लिपस्टिक कभी खाली मत यूज़ करें क्योंकि अच्छे से फिर वो शेप निकल के नहीं आता। आउटलाइनर आप क्लीन भी कर सकते हो। और यहाँ पे लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है मैटमी का, सेट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको लिंक में दे दूँगी, प्लीज़ आप लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, आपको सारे प्रोडक्ट की परचेज लिंक वहीं पर मिल जाएगी। एंड शेड इसका कुछ मजेंटा जैसा है क्योंकि मैंने आईज का मेकअप थोड़ा सा डार्क रखा था, तो लिपस्टिक मैं न्यूड शेड की तरफ जाना चाहूँगी, इस से मैंने न्यूट किया। आप ऑप्शन है कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एंड लाइनर मैं लगाऊंगी यहाँ पे और लाइनर लगा के यहाँ पे पूरे लुक को मैं कंप्लीट कर लूँगी। जैसा कि मैंने बोला बहुत सिंपल लुक रखा था मैंने, कुछ वैसा नहीं रखा था, बहुत ज़्यादा हाई फाई लुक नहीं रखा था। एंड ब्लश लेके अपने चीक को ब्लश कर लूँगी, नोज़ पे, फोरहेड पे, सब जगह मैंने थोड़ा ब्लश अप्लाई कर लिया। स्माइल करते हुए ब्लश अप लगाना है आपको। एंड फिर नेक्स्ट जो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे वो होगा हाईलाइटर। अभी तो फ़िलहाल ब्लश मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा। एंड ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर लिया है इनसाइड का ब्लश जैसा आप देखेंगे और बहुत ज़्यादा
अच्छा एकदम बटर जैसा चलता है, काम करता है। आप डेली में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी क्रीम के साथ मिक्स करके बहुत अच्छा लुक आता है। तो मैं लगा लूँगी, और हाईलाइटर के बिना तो आपका मेकअप अधूरा है। जब तक हाईलाइटर नहीं आता फेस पे वो एक शेप नहीं आता। यहाँ पे मैंने कंटूर वगैरह कुछ भी नहीं किया था, तो आप चाहें कर सकते, पर इतना रक्षाबंधन में कोई हैवी नहीं करता है। फिर भी मैंने हैवी कर लिया, इतना भी कोई नहीं करता क्योंकि फेस्टिवल के दिन आपको बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। बट मुझे लगा थोड़ा बहुत तैयार होता है इस पर हल्का फुल्का। अब मैं करने लगी, मैं अपनी बात करती हूँ, जैसा कि जब से मैंने मेकअप ट्राई किया है तब से मैं कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे आ जाती है झुमके की बारी। झुमके के लिए मैंने थोड़ा सा आउटफिट से हटके ग्रीन सोचा कि ग्रीन पहन लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं सेम कुछ पहनती हूँ तो वो एक जैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगा येलो के साथ रेड का कॉम्बिनेशन तो कॉमन है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ग्रीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इयररिंग्स कैसी लगी बताइएगा। एंड सिंपल सा हेयर स्टाइल मैंने किया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सेम कलर की मैंने वो रबर बैंड ले ली, उससे मैंने एक पोनी क्रिएट कर ली। पोनी क्रिएट करने के बाद मेरे पास हेयर एसेसरीज रखी थी, उसको मैंने लगा लिया। तो बहुत क्विक बनने वाली हेयर स्टाइल है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं ऐसे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सूट वूट के साथ। इस तरह का जो मैंने आउटफिट वेयर किया है, उस तरह के आउटफिट पे ऐसी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल मेरे बालों का रिबॉन्डिंग बिल्कुल टूट चुका है, तो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं आया, बट जिनके बाल स्ट्रेट हैं बहुत खूबसूरत लगता है ये लगने के बाद। एंड हेयर स्टाइल भी डन हो गई, मेकअप भी मेरा डन हो गया है। आउटफिट की बात करें तो मीशो का है कोड, आपको आउटफिट का कोड भी मिल जाएगा मेरे लिंक पे, तो आप जाके ले सकते हैं। और ब्रांड की तरफ से मुझे दो इसी तरह के सेम आउटफिट रिसीव हुए थे, एक ग्रीन एक येलो। तो आई होप आपने देखा होगा, लुक आपको पसंद आया होगा। लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक हाथ में मैंने चूड़ी पहना एंड दूसरे मैंने वॉच लगाया, और लुक को पूरे अपने कंप्लीट करते हुए यहाँ पे मैं यस तो आपने लुक देखा। और इस चुंदी के साथ ग्रीन एसेसरीज, ग्रीन ज्वेलरी, ग्रीन बैंगल्स के साथ तो मेरा लुक कंप्लीट होता है। हेयर स्टाइल भी आपने देखा, बहुत सिंपल सा लुक है रक्षाबंधन पे जैसा कि आप क्रिएट कर सकें। एंड आउटफिट की बात कर लूँ तो ये आउटफिट मुझे मीशो से रिसीव हुआ। जी हाँ, कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोज़ की जितनी परचेज लिंक वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। होपफुली वीडियोज़ आपने इंजॉय की होगी, अगर इंजॉय की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।